इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को मैनेज करना। मैं यहां कोई इमोशनल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं एक इंसान की अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। इमोशन को तो मैनेज करना ही होगा, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को पहचानना। कौन हूं मैं, क्या है मेरी ताकत? 99% लोगों को ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता नहीं होता। उनको ये पता नहीं होता मैं कौन सी चीज में सबसे अच्छा हूं और किस में सबसे बुरा। आप देखेंगे कुछ लोग बहुत कठिन काम को बहुत आसानी से कर देते हैं, पर दूसरे कर नहीं पाते। अगर एक इंसान को पता लग जाए किसी भी तरीके से मैं कहाँ सबसे स्ट्रांग हूं, तो बंदा बहुत जल्द अपनी मुकाम हासिल कर लेगा। पीटर ड्रकर बोलते हैं, एक इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत उसकी स्ट्रेंथ पर छुपी होती है। अगर वो बंदा अपने आप को पहचान लेता है तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। आपकी स्ट्रेंथ कहीं पर भी हो सकता है, आपको बस लगन के साथ उसे ढूंढना है। जिन लोगों को ये पता नहीं है उनके लिए एक होमवर्क है, 12 महीने तक करना होगा। अगर कर पाए तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस मिल जाएगी। उसके लिए आपको लोगों से पूछना होगा कि मुझे बताओ सच्ची में तुम्हें मेरी कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है, या ये जो मैंने 10 काम किया इनमें सबसे अच्छा या सबसे बुरा कौन सी है तुम्हारे हिसाब से। ये करते वक्त कभी भी घबराना मत, लोग क्या बोलेंगे, लोगों को गोली मारो। सबसे बढ़िया होगा आप एक अननोन पर्सन से पूछे, क्योंकि सबसे बेस्ट फीडबैक वही आपको देगा। जैसे वो स्टोरी आपने तो सुना होगा उलंग राजा का, वो राजा बिना कपड़ों के मार्केट में घूम रहा था, क्योंकि वो चाहता था मेरे लिए एक ऐसा कपड़ा बनाया जाए जो सबसे अलग हो, जो किसी के पास ना हो। तो उसकी टेलर ने वो बना दिया जिसमें कोई भी कपड़ा था नहीं। पागल राजा को वो ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आ गया, पर कोई भी राजा को ये बता नहीं सकता था उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना। एक बच्चे ने बोला, राजा तेरा कपड़े कहाँ हैं? वो बच्चा किसी से भी नहीं डरता था, और उस बच्चे ने साहस के साथ राजा को फीडबैक दे दिया। सबसे पूछो, घबराना मत, आपको श्योर आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस मिल जाएगी। और दो चीज है जो आपको जानना ही होगा खुद को मैनेज करने के लिए, जैसे मैं कैसे परफॉर्म करता हूं, मेरी वैल्यूज क्या है। कुछ लोग बुक्स पढ़ के सबसे ज्यादा सीखते हैं, कुछ लोग सुन के। जो बुक्स पढ़ के अच्छा सीखते हैं उनको अगर सुन के सीखना होगा तो वो उतनी अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बुक्स पढ़ने पे ही छुपी है। सुनने वालों के लिए भी सेम है, वो सुन के अच्छा सीखेंगे। इसीलिए अच्छा टीचर वो नहीं होता जो अच्छा पढ़ाता है, बल्कि वो होता है जो अच्छा सिखाता है। और वैल्यूज एक इंसान की अंदर में छुपी होती है। कुछ लोग अच्छा रहना पसंद करते हैं, हमेशा लोगों के साथ घुल मिल के रहना उनको बड़ा अच्छा लगता है। हिंसा लड़ाई ना हो, सबको न्याय मिले, वो चाहते हैं सब खुश रहे। आसान शब्द में कहूँ तो आप खुद के अंदर जो फील करते हो हर टाइम, उससे आपकी वैल्यूज निर्धारित होता है। इस वैल्यू को आप बदल नहीं पाओगे, ये हमेशा आपके साथ ही रहेगा। एक सफल इंसान हमेशा अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करता है और उसको और ताकतवर बनाता है। वीकनेस तो सब में होता है, उसकी वजह से क्या पीछे हट जाए, जो है वो है। आप अपना सारा टाइम खुद की स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ, ना कि वीकनेस को सुधारने में। ये टोटल प्रोसेस बिल्कुल भी आसान होगा नहीं, पर शुरुआत तो करना ही होगा। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको मैनेजिंग ऑन सेल्फ से बताया है। ये बेस्ट बुक है उनके लिए जो खुद को बदलना चाहते हैं, खुद में एक नया चेंज लाना चाहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।